नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू सिंह और आप देख रहे हैं दवा की जानकारी चैनल। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं दवा से रिलेटेड वीडियो आपके लिए रोज ही लेकर के आता ही रहता हूं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि अगर आपने हमारे बेल आइकन को नहीं दबाया तो हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको समय से नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज हम आपके लिए मेगा पेन की टेबलेट का रिव्यू लेकर के आए दोस्तों। एम्पीसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन डिस्पेरिबल टेबलेट ये है दोस्तों। ये दो इसके सस्पेंशन है जो दोनों ही 125 एमजी प्लस 125 एमजी में इस टेबलेट में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस टेबलेट की एक्सपायरी डेट की बात करें तो अक्टूबर 2018 से सितंबर 2020, लगभग दो साल की एक्सपायरी डेट मिलती है। एमआरपी की बात करें तो ₹18.70 इसकी एमआरपी है दोस्तों। और बात करें दोस्तों कंपनी की, तो एरिस्टो फार्मा इस दवा का निर्माण करती है दोस्तों। ये दोस्तों काफ़ी पेटेंट आइटम है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप इसे आसानी से खरीद सकते हो। और दोस्तों बात करें इसे बच्चे को खिलाना कैसे है दोस्तों, तो इस बच्चे को इसे एक गोली सुबह और एक गोली शाम पानी के साथ दिया जाता है दोस्तों। और बिल्कुल खाना खाने के बाद ही इस टेबलेट का यूज करें दोस्तों, वरना इसके जो है कि दिक्कत हो सकती है कि बच्चे को। और साइड इफ़ेक्ट की बात करें दोस्तों, तो साइड इफ़ेक्ट इसमें जैसे कि एलर्जी रिएक्शन, रैशेस, पेट में दर्द, उबकाई और दस्त, कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं दोस्तों। दोस्तों इसका मुख्य इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है, यानी कि आजकल एंटीबायोटिक दवा हर रोग में तो चलती है दोस्तों, तो ये भी एक तरह से एंटीबायोटिक ही है। आप इस दवा का यूज कहीं भी कर सकते हैं, बच्चों को जैसे कि बुखार में हुआ या कहीं चोट लगी है तो एंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल हर जगह दिया जाता है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।